सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएमबी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन एंड टुडे वील बी कंटिन्यूइंग विद आवर लेक्चर टू ऑफ साइंस चैप्टर वन केमिस्ट्री का। जो हम चैप्टर वन पढ़ रहे थे मैटर इन आर सराउंडिंग्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक बेसिक चीजें ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देखा। हमने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कंप्लीट किया, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन स्टेट्स होती हैं, अदर टू स्टेट्स भी होती हैं जैसे कि प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली। ओके, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अब मैटर की जब स्टेट चेंज करनी होती है हमें, या जब स्टेट चेंज होती है तो वो कैसे होती है बेसिकली, ठीक है। सो इन दिस वील राइट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय टू मेथड्स। नाउ कौन कौन से हैं वो टू मेथड्स? फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग प्रेशर। ओके, नाउ दीज आर द बेसिक बेसिक टू मेथड्स बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, और वी कैन कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में, देन वील बी मूविंग ऑन टू इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि कैसे कैसे वहां पर चेंजेस अगर होते हैं, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इफ वी सी, नाउ फर्स्ट इज मेल्टिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन बेसिकली, ठीक है। अब मेल्टिंग और फ्यूजन से कैसे कन्वर्जन होगा और किसका कन्वर्जन होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो वील सी कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर is called melting, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड का कन्वर्जन करना लिक्विड के अंदर बाय हीटिंग इट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड बेसिकली मेल्टिंग, ठीक है। एंड मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात क्लियर है? नाउ लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम टेम्परेचर बेसिकली मेल्टिंग फ्यूजन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बी और सेकेंड, ठीक है, इन टेम्परेचर ओनली। Now, second is basically boiling and it is also called vaporization. Okay, it is also called vaporization. ठीक है, now conversion of any liquid into gas, यानी कि वेपर्स, गैस मींस वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है, बाय हीटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। नाउ मिनिमम टेम्परेचर at which
एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस यानी कि वेपर्स अगेन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करना इन गैस या फिर वेपर्स वी कैन से बाय हीटिंग इट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बेसिकली बॉइलिंग. एंड मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस या फिर वेपर्स इट इज बेसिकली कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एंड इफ वी सी व्हाट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल. नाउ moving on to next, which is third, condensation, and it is also known as liquefaction. ठीक है, क्या और बोलते हैं हम इसको? Liquefaction भी बोलते हैं. ठीक है, the process is also known as liquefaction. Now what we do in this is conversion of any gas or vapors into liquid by cooling at constant pressure is called condensation. Okay, now किसी भी गैस या फिर वेपर को कन्वर्ट करना बेसिकली इन लिक्विड बाय कूलिंग एट, अभी तक हम सिर्फ हीटिंग की बात कर रहे थे, नाउ वी हैव केम ऑन टू कूलिंग. ठीक है, बाय कूलिंग एट, क्योंकि जब भी गैस या वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है देन वी नीड टू कूल इट बाय हीटिंग, इट कैन नॉट बी डन. ठीक है, सो बाय कूलिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बेसिकली कंडेंसेशन. नाउ इफ वी मूव ऑन टू फोर्थ वन विच इज, हमने अभी तक मेल्टिंग देखा, बॉइलिंग देखा एंड कंडेंसेशन देखा विच इज लिक्विफिकेशन आल्सो. ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज बेसिकली फ्रीजिंग. फ्रीजिंग ठीक है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज, लेट्स सी, कन्वर्जन of any liquid into solid by cooling at constant pressure is called freezing. Is called freezing. ठीक है, so when we are converting any liquid into solid like from water to ice cubes, basically ice, hai na, this is an example. So we have to cool it at constant pressure and the process is called as freezing or solidification. Theek hai, or we can write in this temperature at which any liquid converts into solid is called freezing point. ठीक है, it's called freezing point. Now temperature at which any liquid converts into solid is called its freezing point. ठीक है, now if we see next one which is fifth one, very much important basically, sublimation. Now most of the students or most of you must be aware from this term, but the students who are not aware, we'll read this and we'll understand this, what is sublimation. ठीक है, now we have talked about conversion of solid to liquid, liquid to gas, okay, and gas to liquid and liquid to solid again. Now sublimation is when we have to convert directly solid into the gas. So that process is basically called sublimation. ठीक है,
Because if we have to convert solid into gas, then we have to convert first solid into liquid. ठीक है, then liquid के बाद हम उस gas में convert कर पाएंगे. But there was not such process कि हम solid को directly gas में convert कर पाएं. So sublimation came into existence. And इस process से क्या होता है कि directly हम solid को किसमें gas में convert कर सकते हैं या gas को directly क्या है solid में convert कर सकते हैं. So we'll write in this conversion of any solid into gas directly by heating and any gas into solid directly by cooling is called sublimation. Now, conversion of solid directly into gas by heating and conversion of gas directly into solid by cooling. So this process is called sublimation. Okay, we'll understand it by a flow chart also. Now, this flow chart will make an ease for you all to understand it better. Now, flow chart for change of state now basically what we'll do is here we have solid, here we have liquid and here we have gas. Okay, now when we have to convert solid to liquid, we have to heat it. When we have to convert liquid to gas, we have to basically heat it. If we have to return back, we have to cool it basically. And we have to return back, we have to cool it. Okay. Now, the process by which we were converting solid into liquid was melting. Okay. Which is also called fusion. The liquid into gas was vaporization or we can say boiling. Okay, now from gas to liquid again, if we are coming, then it is called condensation or liquefaction. And if we are coming from liquid to solid, then it is freezing or solidification. Okay, got it? Now, when we are going from, now we'll draw it from another. See, importantly, if we have to directly go from solid to gas or gas to solid, then it is called basically sublimation. Okay, it is called sublimation. So this was the flow chart basically. So we have completed with effects of temperature here. Now we'll be moving on to effects of pressure, that how we can change the state of matter by pressure. Okay, so moving on to effects of pressure. Now, firstly, we'll see about effects on solids and liquids. Now, pressure cannot change the state of solid and liquids as both are incompressible. ठीक है,
as both are incompressible. Now, what happens is pressure has no power, or basically pressure cannot change the state of solid and liquids. Basically, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, incompressible होते हैं, compress नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है? And by pressure we can only change the state of matter by compressing it only, ठीक है? And now, secondly, if we see on gases effects, on gases, so we'll see gases are basically compressible. Let me now on increasing pressure and decreasing temperature, we can convert gases into liquids. Sometimes into solids also, but not many a times. Okay. So when we increase pressure and when we cool down or decrease temperature, then we can convert gases into liquids also. For an example, if we take example of LPG gases cylinders in your which you use in kitchens also. So what happens is the gas is compressed inside that cylinder, and the after compression of gas, the that converts that LPG converts into the liquid, and after the sudden it is basically a sudden reaction when that liquids comes out from the nozzle, within milliseconds it converts into gases basically. Okay, for example, we'll write LPG. If you don't know, then it is liquefied petroleum gas, and CNG, it is compressed natural gas. And one example of sometimes solid also, dry ice. Okay, dry ice is an example of solid. Okay, so these were the effects of pressure. Okay, now we'll be moving on to next, which is units of temperature. Okay, units of temperature now. Temperature is measured in, you all know, temperature is measured in degree basically, or Fahrenheit or Kelvin. ठीक है, temperature is measured in degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. ठीक है, तो we'll see now degree, what it is degree Celsius. So degree Celsius is common unit of temperature. ठीक है, degree Celsius क्या है, common unit है temperature की. Secondly, अगर हम बात करें तो Fahrenheit now. Fahrenheit is used basically to measure body temperature. ठीक है, unit to measure body temperature. If we talk about C, which is Kelvin, okay. Now Kelvin is basically SI unit of temperature. SI unit of temperature. Okay. Now if we talk about conversion of units, basically conversion of units, now if we talk about conversion of units, that how we'll convert the units of temperature, then we'll learn it right now. Now see, A, first of all, Celsius to Kelvin. Now,
केल्विन स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल रीडिंग प्लस 273। नाउ अगर कभी भी हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है, तो सेल्सियस की जितनी रीडिंग दी हुई है उसमें हमें क्या करना है, सिंपली प्लस 273 ऐड कर देना है। सपोज सेल्सियस मुझे दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस एंड मुझे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 273 प्लस 37 करूंगा, द आंसर विच विल कम विल बी इन केल्विन। ओके, नाउ सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस, अब इसमें हमें वाइस वर्सा कर देना है। बेसिकली कई बच्चों का दिमाग दौड़ गया होगा, जिनका नहीं दौड़ा उनके लिए अभी हम करते हैं। सेल्सियस स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू केल्विन स्केल रीडिंग माइनस 273, ठीक है। जब भी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जितनी केल्विन स्केल की रीडिंग दी हुई है उसमें से 273 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू डिग्री सेल्सियस, बेसिकली ठीक है, ए 300 केल्विन, बी 373 केल्विन, सी 273 केल्विन एंड डी 200 केल्विन, ठीक है। ए वाला मैं करके बता रहा हूं, बाकी यू कैन डू इट। ओके, एंड इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन टाइप योर डाउट इनटू कमेंट बॉक्स, आई एंश्योर यू दैट आई विल रिप्लाई एंड आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल विद द बेसिकली ऑल थिंग्स, ठीक है। नाउ इफ वी सी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू फाइंड इन डिग्री सेल्सियस, सो केल्विन स्केल रीडिंग इज 300 केल्विन माइनस वी हैव टू डू 273 बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो आंसर विल बी 27 डिग्री सेल्सियस हियर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बाकी के तीनों आपको क्या करना है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है। इन नेक्स्ट लेक्चर वील बी लर्निंग अबाउट सम न्यू टॉपिक्स लाइक लेटेंट हीट एंड इवेपोरेशन एंड मेनियर थिंग्स, ठीक है, एंड वील ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, ठीक है, मे बी इट विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट लेक्चर। होप सो आप सबको अभी जितना पढ़ाया गया इस लेक्चर में वो पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू फेस एनी डाउट अंटिल यू कैन टाइप योर डाउट इन टू कमेंट बॉक्स एंड आई एंश्योर यू दैट आई विल रिप्लाई बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल सॉल्विंग योर एवरी क्वेरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एंड पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि हमें क्या बेटर से बेटर रीच मिल पाए एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। एंड ऐसे ही हम साइंस का पूरा क्लास 9th का कंटेंट अभी यहां पर बैक टू बैक लाने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो लेक्चर 3 आने वाला है एंड फर्दर जो लेक्चर्स आने वाले हैं फर्दर चैप्टर्स के, उनका बेल टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल नोटिफिकेशन ऑन हमें वहां पर रखना है, तभी हमें टाइमली नोटिफिकेशन वहां पर मिलेगा। होप सो यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।